हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द लर्न फ्लाई। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के कुछ बेसिक फॉर्मूला। प्रॉफिट लॉस को हिंदी में कहते हैं लाभ हानि, उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, प्रॉफिट लॉस को हिंदी में क्या कहते हैं, इसको लाभ हानि कहते हैं। प्रॉफिट लॉस का जनरली बेसिकली एक अर्थमेटिक का पार्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर आपका जैसे शॉर्ट में कुछ दिखा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या है लाभ, और लॉस का मतलब क्या है हानि, मतलब लाभ और हानि के बारे में इसमें डिस्कस किया जाता है। इस टॉपिक से, इस चैप्टर से हमेशा क्वेश्चन रहता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो पहले क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, इसको शॉर्ट में कहते हैं सीपी। सीपी को हम लिख सकते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस का हिंदी मतलब होता है क्या आपका क्रय मूल्य, मतलब जो खरीदता है उसको क्या कहते हैं कॉस्ट प्राइस। और दूसरा क्या है आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का क्या कहते, शॉर्ट में कहते हैं एसपी कहा जाता है। सेलिंग प्राइस का मतलब होता है आपका जो मतलब सामान खरीद के जो बेचता है उस मतलब बेचने वाला, विक्रय मूल्य, जिसको क्या कहते हैं क्रय मूल्य, इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। और प्रॉफिट, प्रॉफिट का मतलब क्या है लाभ, जो मतलब जो गेन करता है उसको क्या कहते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट कह सकते हैं या फिर इसको गेन भी कह सकते हैं। लॉस, लॉस का मतलब, लॉस को शॉर्ट फॉर्म में एल से डिनोट किया जाता है। और लॉस का मतलब क्या हानि, इसको शॉर्ट में याद रखिए सीपी एसपी प्रॉफिट लॉस। सीपी का मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, और पी का मतलब प्रॉफिट, इसको लाभ, और लॉस का मतलब क्या है हानि। इसमें जब का पहला जो फॉर्मूला आपका बनेगा, इसका जो पहला फॉर्मूला है प्रॉफिट अगर निकालने के लिए हम लोग कहते हैं तो इसका डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर सकते हैं एसपी माइनस सीपी। मतलब प्रॉफिट निकालने के लिए कैसे होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर बोले कि लॉस निकालने बोले, अगर लॉस निकालने के लिए तब हम लोग फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस सीपी माइनस एसपी। अगर लॉस निकालने बोले तब क्या होगा सीपी माइनस एसपी। थर्ड फॉर्मूला क्या है आपका कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट माइनस सीपी निकालने बोल दे। अगर हम लोगों को सीपी निकाल दे कब, जब प्रॉफिट हो, ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला आपका प्रॉफिट से ही निकल के आ गया है, निकल के आ गया है आपका सीपी, मतलब सीपी को इस तरफ लेके आए प्रॉफिट को इस तरफ लेके गए, तो हम लोगों का फॉर्मूला क्या है ना कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, सीपी इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। अगला जो आपका फॉर्मूला आपका कॉस्ट प्राइस निकलने बोलेगा तब क्या है लॉस जब हो, मतलब इस फॉर्मूला से आपका क्या ये निकला, अगर मतलब फाइन करने बोल दे कॉस्ट प्राइस, तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यूज क्या कर सकते हैं एसपी प्लस लॉस, मतलब सेलिंग प्राइस प्लस लॉस, ठीक है। हम लोगों को लॉस भी गिवेन दिया रहेगा और एसपी भी गिवेन दिया रहेगा, तब हम लोग अगर सीपी पूछ दे तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला कर देते हैं एसपी प्लस लॉस कर देंगे तो मेरा सीपी आ जाएगा, ठीक है। टोटल दो ही फॉर्मूला है, दो फॉर्मूला से निकल के चार हो गया है, मतलब क्या फोर फॉर्मूला। ये बेसिक फॉर्मूला है, इसको याद रखिए क्योंकि ये एडवांस के लिए जरूरत पड़ेगा। अगला जो आपका फिफ्थ फॉर्मूला है, फिफ्थ फॉर्मूला क्या है प्रॉफिट परसेंटेज। अगर प्रॉफिट, इसमें तो प्रॉफिट निकालने बोल दिया, अगर प्रॉफिट परसेंटेज पूछे, मतलब परसेंट के मतलब क्या है आपका परसेंट, मतलब कितना परसेंट गेन किया, अगर तब जो फॉर्मूला उसका बनेगा आपका प्रॉफिट बटा प्रॉफिट डिवाइडेड सीपी इंटू 100, मतलब प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोगों का प्रॉफिट परसेंटेज निकल जाएगा, ठीक है। अगला अगर लॉस परसेंटेज बोले, लॉस परसेंटेज निकालने बोल दे तब हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। अगर हम लोग लॉस प्राइस परसेंटेज निकालने बोल दे तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है। अगला जो सेवन फॉर्मूला क्या है आपका सीपी, सीपी कॉस्ट प्राइस इक्वल टू, जब अगर परसेंटेज दिया रहेगा, मान लीजिए कि इसमें क्या है आपका जब परसेंटेज निकालने बोल दे तब हम लोग फॉर्मूला ई यूज कर सकते हैं प्रॉफिट निकालने के लिए, अगर लॉस हो जाए तब लॉस परसेंटेज इस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर इसमें हम क्या देखे थे कॉस्ट प्राइस, में क्या है प्रॉफिट लॉस होगा तब कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग का यूज होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट परसेंटेज गिवन दिया रहा है तब हम लोग अगर सीपी निकालने पूछे तब हम लोगों का फॉर्मूला क्या बनेगा एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा तब हम लोग फॉर्मूला ई यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए इसमें अगर
सेलिंग प्राइस पूछ दे, इसमें क्या सीपी पूछ दे, सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस पूछ दे, हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए एसपी पूछ दे, सेलिंग प्राइस पूछ दे और हम लोगों का गिवन क्या दिया रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा, तब हम लोग सीपी अगर एसपी अगर पूछे तो हम लोग फॉर्मूला क्या बनेगा, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाई 100। कब, जब हम लोगों का सीपी गिवन दिया रहेगा और आपका क्या प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो फॉर्मूला है आपका सीपी निकालने के लिए, इसमें सीपी लेकिन क्या है आपका लॉस परसेंटेज रहेगा, लॉस अगर लॉस परसेंटेज दिया रहेगा तब हम लोग ये फॉर्मूला सीपी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, एसपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस लॉस, क्या होगा 100 बाई 100 माइनस लॉस। अगला जो आपका फॉर्मूला क्या है, हमने एसपी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, कब, जब लॉस परसेंटेज रहेगा, लॉस अगर लॉस परसेंटेज दिया रहेगा तब हम लोग एसपी फाइन करने बोल दें, तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सीपी इंटू 100 माइनस लॉस डिवाइडेड बाय 100। लॉस क्या है आपका, लॉस नहीं है, क्या है लॉस परसेंटेज है और क्या है प्रॉफिट परसेंटेज है। ठीक है, तब हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। 5 से लेकर 10 तक जितना फॉर्मूला है ये बहुत, इसलिए इसका स्टार मार्क किया दे के रखे हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा क्योंकि हमेशा एक घुमाते फिराते क्वेश्चन इसी फॉर्मूला से आपका पूछे रहेगा। टोटल कितना 6 फॉर्मूला है, इससे मतलब घूमने वाला क्वेश्चन इसी 6 फॉर्मूला से पूछता रहता है। और ये बाकी जो 4 फॉर्मूला है ये क्या है आपका बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, और ये थोड़ा सा एडवांस हो गया, इसको याद रखिए क्योंकि हमेशा क्वेश्चन जब भी हाई लेवल में क्वेश्चन पूछेगा तब आपका इसी 6 फॉर्मूला यूज करके ही पूछेगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया है टोटल कितना 10 फॉर्मूला है। ठीक है, इसको याद रखिए क्योंकि ये हमेशा आगे जरूरत पड़ेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।